हेलो एवरीवन, मैं गुरपाल सिंह फ्रॉम स्पीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक करेंगे कवर, वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई पर्सन को देखने में कोई दिक्कत आती है, लाइक अगर किसी पर्सन को कोई भी दुनिया में वर्ल्ड में कोई दिक्कत आ रही है उनकी आंखों में, तो वो क्या डिफेक्ट्स होंगे और उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। पहला है हमारे पास, इसमें मेनली 3 डिफेक्ट्स आते हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है पैसिवायोपिया। ठीक है, तो हम पहले में चलेंगे मायोपिया क्या होता है। मायोपिया में हम बोल सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप पहले यहां से पूरा पढ़ लो, ठीक है, कि ये एक नियर साइनस भी बोलते हैं, पर्सन विद अ मायोपिया सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई पर्सन है उसको नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है, बट जो दूसरा, और मतलब दूसरा हम बोल सकते हैं कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली नहीं दिखता। जैसे यहां पे आपको पता तो लग गया कि इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी, रेटिना के ऊपर होगी। तो ये रेटिना पे बनाएगा कौन, लेंस बनाएगा। अब लेंस में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेस कर दें, सॉरी रिलैक्स कर दें एंड स्ट्रेच कर दें, या तो मसल जो होगी वो खींचेंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, अगर रिलैक्स कर देंगे तो वो मोटा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन देयर फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो रेटिना पे इमेज है वो भी इंक्रीज डिक्रीज इजिली हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तब भी वो रेटिना के ऊपर ही इमेज बनेगी, अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तब भी वो रेटिना के ऊपर ही बनेगी। पर कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो उसको हम मायोपिया में चले जाते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, नजदीक का ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है, बट जो जितना दूर होएगा उसको वो उतना ही ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, तो बहुत अगर दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज होगी रेटिना से पहले बनने शुरू हो जाती है, रेटिना पे बननी चाहिए, अगर बनेगी रेटिना के ऊपर तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ताकि हमारे ब्रेन एक इमेज को क्रिएट कर सके। बट यहाँ पे क्या होता है, फोकस यो सॉरी रेटिना से पहले ही हमारा फोकस यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे इमेज का सिग्नल बना देता है। ठीक है, और बहुत अगर यहाँ पे सिग्नल बन गया रेटिना पे प्रॉपरली इमेज नहीं बना तो आपको जो देखने में भी दिक्कत आती है। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप क्या करोगे, कनकेव मिरर यूज करोगे, सॉरी कनकेव लेंस यूज करोगे। आपको पता ही है, अब हमने पीछे वाले चैप्टर देख ही लिए हैं कि लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो यहां पे हमने कौन सा करना है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस करेगा क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर है उसको क्या करेगा, वो खींच के उसकी इमेज फ्रंट पे बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर उसकी फ्रंट पे इमेज बनेगी तो वो फोकल लेंथ हमारा उसका बिल्कुल रेटिना पे आ जाएगा, अगर रेटिना पे बनेगा तो आपको उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकोगे। ठीक है, तो मायोपिया में इतना ही था। अगर आपको लग रहा है कोई कुछ ज्यादा तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ तो मैंने आपको बता रहा हूं एक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, अगर यहां पे स्ट्रक्चर दे रखी है आप इसको पढ़ सकते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस का क्लियरली देख सकता है बट नजदीक का क्लियरली नहीं देख सकता। उसमें क्या था, नियर का क्लियर दे सकता था पर दूर का क्लियर नहीं देख सकता था। इसमें क्या है, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है पर नियर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देखेगा। तो उसमें क्या था, आपको पता ही है कनकेव लेंस यूज कर रहे थे, इसमें क्या करना है हमें, कन्वेक्स लेंस। देखो मुद्दा वही है, दूर की ऑब्जेक्ट है, रेटिना पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट क्लियर है, आपको इमेज भी क्लियर दिखेगी। ऑब्जेक्ट हमने नजदीक ले आए, ठीक है, तो उसके वजह से रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, इमेज आगे बनना शुरू हो जाएगी, अगर इमेज आगे बनेगी तो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लेंस लगाना पड़ेगा, वो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। अगर कन्वेक्स लेंस बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपकी जो फोकल लेंथ होगी या आपका आई बॉल हो गया
वो छोटा हो जाएगा। अगर आईबॉल मोटा हो गया मतलब छोटा हो गया तो उसका फोकस बिल्कुल पॉइंट पे बनना शुरू हो जाएगा, अगर पॉइंट पे बनेगा तो आपको इमेज क्लियरली दिखेगी। ठीक है, तो रेस्टेटर ने ये ऑब्जेक्ट ये चीज बोली थी कि ऑब्जेक्ट आपका नियरली बस इतना दूर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर दूर होगा, उसके आगे वाला तो आपको वैसे भी नहीं दिखेगा, नॉर्मल पर्सन को भी नहीं दिखता, उसके बीच बाहर का सबको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अगर आपको चाहो तो बिल्कुल क्लोजली, जैसे यहां पे मेरा हाथ है, इतना क्लियरली जाके बोलूंगी भाई मेरे हाथ पे क्या लिखा या कुछ भी है नहीं बता पाओगे, जितना दूर होगा प्रॉपरली आपको विजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज है। उसमें क्या था, फोकल लेंथ आपकी आएगी क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो इमेज जो आई बॉल है वो स्मॉल हो जाएगा। तो इसको कैसे सेट किया जाएगा, कन्वेक्स लेंस के थ्रू। अब क्या है पैसिव आयोपिया, ये क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद एजिंग, द मोस्ट पीपल नियरली पॉइंट डी ग्रेजुअली रिसीड अवे एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्ट्रैक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंसेज। तो इसमें क्या होता है, अक्सर जो मुद्दा होगा डिक्रीजिंग विद द एजिंग, मतलब जो आपकी आंखों की पावर है या उसका फोकल लेंथ है, उसकी जो क्षमता है विजिबिलिटी करने की, तो वो एज के मुकाबले कम होती जाती है। तो इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो को ना तो उसको नजदीक का प्रॉपरली दिखता है ना ही दूर का प्रॉपरली दिखता है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है आइस ग्लासेस लगा के। ठीक है, तो उस ग्लासेस में क्या होता है, आपका कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, बायफोकल लेंस बोलते हैं इसको, वो क्या होगा, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस दोनों। आप लोगों ने कभी देखा होगा अगर स्पेक्स है बुजुर्ग की, ठीक है, हमारे ओल्ड एज पर्सन की, तो उसकी स्पेक्स होगा यहाँ पे ऐसे करके एक कर्व शेप लगा के वहां पे भी लेंस लगाया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे एक स्पेक्स है उनकी, ठीक है, ये मैंने वन पोर्शन बनाया है, तो ऐसे ही उसका सेकंड पोर्शन है। ठीक है, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे क्या होगा, लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये टोटली लेंस लगा हुआ है, तो उसके बीच में आपने देखा होगा ऐसे करके एक कर्व और दिया होगा। आप लोगों ने कभी नोटिस कर लेना, अगर आपके पास ओल्ड एज का किसी का है चश्मा, तो ये वाला जो होगा वो अलग होगा और ये वाला अलग होगा। ये वाला अगर सपोज करो ये कनकेव है, ठीक है, या कन्वेक्स है, ठीक है, ये भी कन्वेक्स हो गया, तो ये वाला मिरर जो होगा वो कनकेव होगा, ये वाला भी कनकेव होगा, तो एक उसमें से कन्वेक्स होगा, दूसरा उसमें से कनकेव होगा। तो अगर अब ये पता कैसे लगेगा कनकेव और कन्वेक्स वाला कौन सा था, हमें ये देखना है अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिख रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो उसमें कन्वेक्स लगा देना है, जो नजदीक का देखने के लिए करना था कनकेव लगा देना है। ठीक है, तो ये था उसमें, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लेंसेज यूज करने हैं कि कन्वेक्स और कनकेव दोनों होने चाहिए उसकी स्पेक्स के बीच में, और प्रॉपरली एडजस्टमेंट होनी चाहिए ताकि उस पर्सन को इजिली और क्लियरली हर एक ऑब्जेक्ट दिख सके। ठीक है, तो यहां पे था आपका जो डिफेक्ट्स एंड करेक्टिवनेस, आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे डिफेक्ट थे, ये तीन डिफेक्ट थे, तीनों के बीच में हमने बता दिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पैसिव आयोपिया, और इसको कैसे सही किया जाएगा, एक को कनकेव लगाना है, एक में कन्वेक्स लगाना है, एक में क्या होगा दोनों लेंस यूज करने हैं। ठीक है, और बस ये था कि हाइपरमेट्रोपिया में 25 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए, ये जरूरी पॉइंट था। तो दूसरे में क्या था, एक में फोकस लेंथ शॉर्ट हो रही थी, एक में फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, आई बॉल एक में स्मॉल होगा, एक में आई बॉल लार्ज हो जाएगा, ये था इसमें कंसेप्ट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है, अगर किसी को भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करवा ले। थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर कंसेप्ट बाय सुपीरियर माइंड एकेडमी।